खबर यूपी के झांसी जिले से है, जहां पर जिंदा आदमी को मृत दिखाकर दस्तावेजों के माध्यम से घर को अपने नाम करने का मामला सामने आया है। जहां जिंदा आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत वृद्ध व उसके परिवार ने उप जिलाधिकारी से की। प्रार्थना पत्र में प्रकरण की बारीकी से जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस संबंध में मऊरानीपुर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव से जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि जांच के लिए तहसीलदार के साथ टीम को गठित कर दिया गया है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारा जांगा का मामला है जी, हमारे पिता श्री हैं और हम इसकी पैदाश हैं, जो बच्चे नहीं के तीन भाई हैं हम हैं। हम जल जगह के हमारी बहन ने नाम करा ली, हमको परेशानी है। किसने? बहन ने? हाँ। और भाई जी हम घर लगवा के बोले तुम्हारे नाम घर मकान सब कर रहे, इनने हमें तहसील लगवा के इनने कागजात बनवा के 3 साल हो गए यार, यही परेशानी है। अच्छा, मैटक किसको बताया है? मैटक किसे बता दिया? इनको मैटक बता दिया है। अच्छा, हमारे तो कल को मैटक दिखा दिया है। किसने दिखाया है? हमारी बहन जी ने। बहन जी ने? हाँ। एक अभी प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें जगन नाम का एक व्यक्ति है मऊरानी नगर पालिका का, उसको 2017 में एक प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया गया था। उसके बाद ईओ के द्वारा उनके भी संज्ञान में 2017 में ये जानकारी में आया था। उन्होंने इनके परिवार वालों से जो है पूछताछ के लिए पत्र भी भेजा है, उसकी भी प्रतिलिपि हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनके परिवार के द्वारा किसी प्रकार का उत्तर ना देने की वजह से वो प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र जो था वो उसको निरस्त नहीं किया जा सका है। अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार साहब को की है, तहसीलदार साहब इसमें स्वयं इसमें स्थलीय और इनकी जांच करके वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो भी नियमता कार्रवाई उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।